नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है जो ट्विटर पे जो है पहला FIR दर्ज किया गया है जो न्यू आईटी रूल्स के तहत है, सेक्शन 79 है जो न्यू आईटी रूल्स है उसके तहत। तो हम ये सोचते हैं कैसे ट्विटर पे FIR कर दिया गया, क्योंकि ये इंटरमीडिएटरी है, यहाँ पे तो कोई भी पोस्ट कर सकता है, तो उस पोस्ट के लिए कैसे ट्विटर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो हम इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करते हैं, और सिर्फ ट्विटर पे नहीं, कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ और भी पर्सन है जिन्होंने ये वीडियो को, एक मोहम्मद अब्दुल समद करके यहाँ पे एक पर्सन है जिनके एल्डर है, यहाँ पे मुस्लिम एल्डर, इनके इस वायलेंस को एक वीडियो था जिसको वीडियो कुछ लोगों ने पोस्ट किया, उस पर जो है FIR किया गया है। तो अभी जो न्यूज में काफी चल रहा है ये, और ये ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ कल जो 15 जून को, और तो यूपी पुलिस ने एक FIR किया जो कि गाजियाबाद पे किया है, और इस पे प्रोटेक्शन किया, और यहाँ पे प्रोटेक्शन छीन लिया क्योंकि प्रोवोकिंग द कम्युनल सेंटीमेंट्स, ट्विटर लूजेस द लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। लीगल प्रोटेक्शन कैसे इसको मिल रहा था, तो क्या होता है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो सोशल मीडिया जैसे जॉइंट्स होते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जो व्हाट्सएप, ये सब जो होते हैं ना, इनमें अगर आप व्हाट्सएप कोई भी चीज़ आप मैसेज शेयर करते हैं, कोई भी पोस्ट आप शेयर करते हैं, तो इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होते, ये एक इंटरमीडिएटरी है, ये केवल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी किए थे, तो उसके तहत जो है बाकी चीज़ों ने, बाकी जो और भी सोशल मीडिया जायंट्स हैं उन्होंने तो मान लिया था, बट ट्विटर ने अभी तक वो क्लियर नहीं किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि गाजियाबाद में क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस ने एक FIR जो है ट्विटर पे FIR, और कुछ जर्नलिस्ट और कुछ ऑनलाइन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे वायर, और इसके बाद सब कांग्रेस लीडर भी कुछ थे जो कि प्रमोट कर रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने यही दर्ज किया कि यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे जो वायलेंस को, और इसलिए जो है हमने यहाँ पे इन पे FIR किया है गाजियाबाद के अंदर। तो अगर हम मोर इन्फो की बात करें तो ये जो वायलेंस का जो ये वीडियो अभी जो वायरल हो रहा था वो वीडियो आज का नहीं है, ये कि 15 जून का ये वीडियो जो था, ये वायलेंस हुआ था 5 जून को, और इस पे जो है वो 7 जून को एक FIR रजिस्टर कर लिया गया था, और वायलेंस का इस पे अभी जो है इस पे प्रोसेस चल रहा था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये 7 जून के बाद ये 9 दिनों तक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गया। तो इस पे क्या हुआ कि अब ट्विटर और ट्विटर अकाउंट जो होते हैं, ट्विटर पे ट्विटर कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया और वायर, कांग्रेस लीडर के सलमान निजामी और डॉक्टर समा मोहम्मद और मकसूर उस्मानी, और जर्नलिस्ट जो है मोहम्मद जुबेर जो कि एडिटिंग चलाते हैं, राणा अयूब, और राइटर एक सवा नकवी है, उनको एक बार FIR किया गया है। और अगर ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है जहाँ पे ट्विटर को भी लिया गया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईटी एजेंसी है वहाँ पे फर्स्ट केस है जहाँ पे ट्विटर के और किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया के जो है FIR रजिस्टर किया गया है। और इसमें कौन कौन से बुक यहाँ पे सेक्शन लगाया गया, सेक्शन 153 प्रोवोकेशन ऑफ राइटिंग, दंगे को भड़काने और प्रमोटिंग, यहाँ पे एक दूसरे के बीच में मतलब वायलेंस का दिखाना, और आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया इन लोगों ने, और मिसचीफ और क्रिमिनल कंस्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन था इन लोग का इन सेक्शन के तहत जो है, सेक्शन 153, 153A, 505, 34 और 120B और 295A के तहत इन पे केस रजिस्टर किया गया। और ट्विटर फीसेस कैसे क्यों कहा, हमने अभी बात की ना इस पे कि पहले ये था इनको एक तरीके से यहाँ पे इसका गाइडलाइंस का जो यहाँ पे बोला गया था कि 26 मई तक आपको गाइडलाइंस को मतलब सारे फॉलो कर लेने हैं, बाकी गूगल, फेसबुक और उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों ने फॉलो कर लिया था इस पे। बट यहाँ पे ट्विटर का कुछ क्लियर नहीं था, ट्विटर ने कहा था कि हम इस पे अपना फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंडिया में जो है अपने ऑफिसर को भी यहाँ पे ऑफिसर को प्रोसीड करने वाले हैं, बट अभी तक जो है उन्होंने इस पे कोई क्लियर दिया नहीं था क्योंकि हम ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो एक्शन जो है अब इस पे एक्शन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेटस एज ए इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म इंडिया अब नॉट कंप्लाई, इनके तहत ये नहीं करेंगे, और जब ये नहीं होगा इनके तहत ये, तो इसके क्या होगा, इन पे केस, क्राइम केस, कोई भी क्रिमिनल केस इन पे चलाया जा सकता है। तो अभी जो क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता था वो इसी के तहत चलाया जा सकता था जो आईटी रूल्स के तहत। तो आईटी एक्ट प्रोवाइड कर रहे थे कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, लायबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे कि ये थर्ड पार्टी है, इनका कंटेंट्स नहीं है, ट्विटर कोई कंटेंट्स नहीं बनाता। आप ट्विटर पे कोई अकाउंट बनाते हो, फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाते हो, तो आप वहां पे जाके पोस्ट करते हो, तो आप अगर कुछ गलत पोस्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि फेसबुक पे आपको क्रिमिनल केसेस चलेंगे, नहीं, वो किसी फेसबुक यूजर जो है जिसने किया है ये अकाउंट पोस्ट वायरल किया है, जो पोस्ट वायलेंस का कुछ डाला है उस पे केस चलना चाहिए। बट ट्विटर के केस में जैसे ये हो रहा था कि उनको लायबिलिटी मिली थी, बट यहां पे लायबिलिटी अब उन पे खत्म कर दी गई। तो ये जो है एंडेड 25 मई तक, अभी तक ये डेडलाइन थी। तो सोशल मीडिया कंपनी जो है रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट, अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होना चाहिए यहाँ पे, तो ये मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट दे, ऐसे ऐसे इस पे रिपोर्ट दिए गए थे। तो अभी तक जो है उन्होंने ट्विटर ने कहा था कि हम जो है यहाँ पे ऑफिसर को रिक्रूट करने वाले हैं, बट अभी उन्होंने कंप्लीटली इस पे किया नहीं था। तो रूल्स जो प्रोवाइड कर रहे थे, टाइमलाइन जो है वो कंटेंट्स का और इन सब का ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स बन रहा है।
तो इसमें क्या किया, लायबिलिटी शैल नॉट अप्लाई। अब यही है लायबिलिटी शैल नॉट अप्लाई, तो क्रिमिनल प्रोसेस पे चल सकता है। और गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को वहाँ पे 6 जून को रिटर्न ने इस पर क्लियर भी किया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है इस पर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है 6 जून तक वहाँ पे कहा था कि आप इसे कर दीजिए, और उन्होंने प्रॉमिस किया था इस पर, बट अभी कोई ऑफिसर का नाम तो आया नहीं। अगर आया होता तो अभी ट्विटर ने इस पर बात भी की होती, और ये केस भी उनके पास जाता कि देखिए ऐसा ऐसा है तो आपने इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि कोई ऑफिसर इन्होंने बनाया नहीं था। तो गाजियाबाद का केस देखें तो गाजियाबाद का एक अब्दुल समद सैफी है, जो हमने अभी बात की 5 जून को, 72 साल की एज है। तो वहां पे वो उनका वायलेंस का जो वीडियो जो वायरल हुआ 7 जून से, 7 जून को फायर हुआ, उसके बाद से ये वीडियो वायरल होता गया, और 15 जून आते आते ये वीडियो काफी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। तो ये है जो वहां पे फेसबुक पे समाजवादी पार्टी लीडर है उमर परवान इदरसी, वो उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। और 7 जून को यहाँ पे धीरे धीरे आते आते यहाँ पे जो इनमें उन्होंने क्लेम किया कुछ लोगों ने कि जो है उन्होंने यहाँ पे 7 जून को इसलिए वहाँ पे वायलेंस दिखा रहे हैं, उनको मारा, उनकी दाढ़ी काटी, तो ये सब क्योंकि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे थे। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे वायलेंस को देखते हुए इस पर केस रजिस्टर किया गया है। और गाजियाबाद का केस इसीलिए कहा कि क्योंकि देखिए अगर आपने जो बोला ना आईटी तहत के तहत जो है वहाँ पे उनको इम्यून प्रोवाइड किया जा रहा था, अब वो इम्यून जो है उनको हटा लिया गया है, इसीलिए जो इस पर कार्रवाई की गई। और यहाँ पे जब 7 जून को केस किया गया था, जो पर्सन है यहाँ पे हमने भी बात की जो अब्दुल समद सैफी जो है, उन्होंने जब केस रजिस्टर किया 7 जून को, इस पर FIR भी रजिस्टर हुआ और एक लोग को इस पर गिरफ्तार भी किया गया, और 4 लोग को ऐसा है अभी वहाँ पे उनको ढूंढा जा रहा है, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है कि वो कहाँ पे किसे हुए वायलेंस में, वो किस तरीके से वहाँ पे संलिप्त थे। तो इसमें क्या हुआ कि अब वो उसमें उन्होंने जब FIR रजिस्टर किया तो उसमें भी उन्होंने भी नहीं बोला कि हम जो है यहाँ पे जैसे राम का आने का हो रहा था, केस ऐसा बन के आ रहा था कि कुछ लोग थे वहाँ पे, जैसे आपने प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं ना, कुछ लोग पंडित तो ये सब चीज़ों को आप बोलते हो कि हाँ हो हम आपसे पूजा कर रहे हैं, हम इतना बड़ा पूजा करेंगे तो हमें इस पे फायदा मिले। तो इसमें ऐसा था कि उन्होंने एक तावीज़ दी थी, जो मोहम्मद जो अब्दुल समद सैफी हैं उन्होंने एक तावीज़ दी थी, तावीज़ देखी कि आपका गुड फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके कुछ काम होने लगेंगे, ऐसा वैसा उन्होंने उनको बताया था। तो और इसमें जो है फिर वो अपोजिट रिएक्शन करने लगा तो उन्होंने आके उनको मारा पीटा और उनकी दाढ़ी काटी, ऐसा ये जो है इन्होंने FIR रजिस्टर करवाया था। और इसमें FIR में जैसे यहाँ पर रजिस्टर करवाया था तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को करवाया गया था। इसमें रिलीजियस एंगल जो बना इसी चीज़ को लेके यहाँ पे जो वायलेंस और ये सब चीज़ को भड़काने का लेके, फिर इनके पे जाके इन पर ट्विटर और ट्विटर इंडिया और कुछ लोग पे और जो है यहाँ पे केसेस जो है रजिस्टर किए गए, जैसे हमने बात की ना कौन कौन से, ट्विटर, कम्युनिकेशन इंडिया, वायर, कांग्रेस लीडर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने यही आ रही थी कि ट्विटर पे जो है अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे केस किया गया। और सेम हमने भी बात की ना जो न्यू IT रूल्स थे, IT 79 का जो रूल्स था उसके तहत जो है यहाँ पे ये जो है पूरा रजिस्टर किया गया, ये पूरा बैलेंस जो है ये पूरा केस बना। तो अभी देखते हैं इस पर क्या होगा, क्योंकि ट्विटर ऐसे कोई मामूली सा तो कोई कंपनी है नहीं, एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया जायंट्स है। तो इस पर जो है अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इस पर डिबेट स्टार्ट हो गई है। तो ये था वीडियो, अब इस पर कोई भी आगे अपडेट्स आएंगे तो हम इस पर आगे और भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।